एवरीवन, आज है आषाढ़ तारीख है, महानवमी है और हम लोग अभी आ रहे हैं ससुराल से अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का रास्ते में पूजा का मंडप है, बहुत सुंदर सा है, सब लोग बोल रहे हैं अच्छा है, इसलिए हम लोग भी आए हैं इसे देखने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, दिन में ही बहुत भीड़ है और इसको देख के हम लोग जाएंगे सीधा अपने घर पे। और रात को भी हमें घूमने जाना है, अब तक तो पूजा हमने अच्छे से देखा ही नहीं है। ये वाला पूजा मंडप के बारे में न्यूज़ में भी बहुत दिखाया जा रहा है, तो हम लोगों ने सोचा देख के जाते हैं, ऐसे भी रास्ते में ही आ जाता है। और कल रात को बारिश हुआ था तो यहाँ पे ज़मीन पे पानी भी थोड़ा जमा होके रखा है। कारगिल का थीम पे बनाया गया है और मतलब पूरा आसाम में इसका बहुत ही नाम हो रहा है। ऊपर दो हेलीकॉप्टर है और वहाँ पे शायद अंदर में जाने के लिए रास्ता भी है। और पूरा पहाड़ बनाया गया है जूट का कपड़ा से, तो भीड़ बहुत सारा है, दिन है फिर भी बहुत भीड़ है। और यहाँ पे गुफा टाइप का बनाया गया है, तिरंगा का कलर किया हुआ है। और जाने के लिए भी रास्ता नहीं मिल रहा है। हाँ, ये पूरा गुफा का डिजाइन से बनाया गया है, गुफा जैसा। और यहाँ पे दुर्गा माँ का मूर्ति है। दिन का टाइम है तो अभी पूजा भी चल रहा है, दोपहर का टाइम है, तो मैं पास से दिखाती हूँ। तो ये रही देर गांव की पूजा। और रात में शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा लाइटिंग की वजह से। सुना है कि वहाँ पे रियल आर्मी होता है जो मतलब बंदूकें चलाता रहता है रात में, लेकिन अभी इतना कुछ हम लोग को नहीं दिखने को मिला। रात में शायद लाइटिंग की वजह से और भी अच्छा लगता है और वो फाइटिंग भी होता है इंडिया पाकिस्तान वाला। तो रास्ते में ही आ गया हम लोग को, तो ऐसे तो अच्छा सजाया है। और हम लोग का वहाँ पे तो हम लोग को देखना बाकी है, तो जाके देखेंगे रात को अगर टाइम मिलेगा तो। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा पूजा होता है, हम लोग तो सब जगह नहीं देखेंगे, बस रास्ते में जो जो वाला अच्छा बोला है सबने तो वहाँ पे ही देखेंगे। तो एक ना हम लोगों ने देख लिया और एक अभी बाकी है जिसमें हम लोग जाएंगे। और बाबू को एक चाहिए बड़ा सा बंदूक, तो वो ढूंढ रहे हैं हम लोग, वो मिल नहीं रहा है मतलब उसका हिसाब से। और ये छोटा है, इतना बड़ा मतलब लंबा चाहिए, काम का कुछ नहीं चाहिए, बस लंबा होना चाहिए, बस हो जाएगा। और उतना लंबा हम लोग को मिल नहीं रहा है, मतलब जो आर्मी लोग लेते हैं ना वो वाला चाहिए, पुलिस वाला नहीं चाहिए। तो आर्मी का बंदूक ढूंढते हम लोग ढूंढ ही रहे हैं, मिल नहीं रहा है। और दिन में भी बहुत भीड़ होता है, अभी तो 1:30 होने वाला है, हुआ नहीं है, 1:25 हुआ है और अभी भी भीड़ देखिए। अभी तो दोपहर का टाइम है, ऐसे लोग निकलता नहीं है इतना टाइम में, पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम लोगों ने सोचा था कि रात में ज़्यादा भीड़ होंगे। और आज से तो ना पूजा बोलते पूजा आ भी गया, चला भी गया, कल तो ख़त्म भी हो जाएगा और आज ही लास्ट है देखने के लिए। तो हम लोग रात में जाएंगे, कितना देखेंगे, ऐसे तो बहुत सारा जगह है, एक दिन में ख़त्म ही नहीं होता है देख देख के। और बहुत दूर पैदल भी जाना होता है ना, तो इसलिए टाइम भी लगता है, लेकिन हम लोग सब तो देख नहीं पाएंगे, बुरा भी लगता है ना, मतलब सब देखो तो अच्छा लगता है। और इस बार हम लोग वहाँ पे तोड़
जो लंबा वाला तोड़ हो गया वो प्लान के थे, क्योंकि हस्बैंड का छुट्टी नहीं मिल पाता और मेरी ननद को भी छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो इन दोनों के लिए कुछ प्रॉब्लम था। बाबू का भी स्कूल होता है और मेरी भी, सेम है सबका, और स्पेशली हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलता है, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया था दुर्गा पूजा का, जो लंबा वाला छुट्टी मिलेगा इसमें हम लोग ये वाला तोड़ करेंगे। स्पेशली हम लोग को मंदिर में जाना था, जहाँ पे जाने के लिए हम लोगों ने पहले ही सोच के रखा था, बहुत दिनों पहले हम लोग प्लान करते थे लेकिन फेल हो जाते थे बार बार, कुछ ना कुछ निकल ही जाता था प्रॉब्लम। लेकिन इस बार पूजा में वो काम भी हो गया हम लोग का, और आज सच में बहुत थक चुके थे। लेकिन देखने के लिए एक अलग सा डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, शिव सागर बोलते हैं, और अभी रास्ते में हैं, यहाँ पे आए हैं चाय पीने के लिए। तो रास्ते में बार बार चाय पीना अच्छा लगता है, और हम लोग तो ऐसे पीते नहीं है, बस ऐसे रास्ते में पी लेते हैं। पास में एक मंदिर है जो राजा का जमाने का है, ये कौन भी ना राजा का जमाने का है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन मेरे यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं आ रहा है, जितना सुंदर लग रहा है ना उतना अच्छा नहीं आ रहा है। ठंडा ठंडा हवा चल रहा है सचमुच, और नीचे सारा लोटस है, और लोटस भी रात हो गया तो अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन क्या बोलूँ बहुत ही मज़े का है। ये हम लोग का पास का डिस्ट्रिक्ट है, और कितना किलोमीटर होगा, 58 किलोमीटर है। हम लोग बस यहाँ पे पूजा देखने के लिए आए हैं, और खुद का जगह पे ना देख देख के बोर हो चुके हैं, बहुत बार देख लिया, बहुत सालों से देख रहे हैं, और बहुत बड़ा बड़ा सा पेड़ है, यहाँ से जाने का मन भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे साइड में ऐसा फुटपाथ है, यहाँ से जाके उस साइड में ऐसे घूम के रास्ता जाता है, वहाँ पे गाड़ी चल रहा है, देख रहे हो ना, तो पौंड का चारों तरफ बहुत बड़ा सा पौंड है और उसका चारों तरफ रास्ता गया है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए फिर और भी घूमना है हम लोग को। समझ में नहीं आ रहा है। हाँ उसको मत छो, वो बड़ा है। शिवडोल है जो शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे हम लोग पहले गए थे ना, वो दुर्गा माँ का मंदिर है, और पास में ही है शिवडोल। तो असम का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है देखने के लिए, और ये शिव सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है,
और शिवसागर डिस्ट्रिक्ट का मेन यही है कि शिवडोल है यहाँ पे। यहाँ का जो राजा था, हम लोग अहोम राजा बोलते हैं, तो उन लोगों ने ये वाला बनाया था। यहाँ पे बड़ा बड़ा सा पौंड है, पास में ऐसा मंदिर है। और आप लोग गूगल पे कोई भी हिस्ट्री सर्च करोगे ना, आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से। और ऐसे तो मंदिर खुला हुआ होता है दिन में, अभी रात का 9 बज चुका है इसलिए बंद हो गया है। और कभी दिन में आऊँगी तो दिखाऊँगी फिर से। बहुत ऊँचा है, बहुत ऊँचा। और यहाँ पे पास में एक बड़ा सा पार्क है, यहाँ पे विष्णु जी का भी और एक मंदिर है, और तीनों है। बीच में शिव जी का आता है और पास में विष्णु जी का, और एक साइड में है दुर्गा माँ का, एक्चुअली काली माँ का है। और वहाँ पे अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, हम लोग यहाँ पे आए थे, और सच में देखने लायक जगह है। आसाम का हिस्ट्री में अहोम राजा का बहुत ही बड़ा सा हाथ था। उन लोगों का दिन में ही ये सब बनाया गया था, मतलब उन लोगों ने 600 ईयर्स यहाँ पे चलाया था आसाम को, और उन लोग का दिन में सब बनाया गया था। सब ईटा का है, और मैंने जैसे दिखाया ना, उसका ईटा बड़ा बड़ा सा साइज़ का था। और शिवसागर में बहुत सारा जगह है दिखाने के लिए, आज तो नहीं हो पाएगा, हम लोग बस पूजा में आए हैं, पूजा देखने के लिए। और पहले भी आई थी तब मुझे पता नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, और बाद में आऊँगी तो फिर से दिखाऊँगी आप लोग को। बहुत सारा जगह है, तो कोई मेरे व्यूअर्स में से कोई है जो आसाम का नहीं है तो आप लोग आ सकते हैं इन सबको देखने के लिए। एकदम प्योर राजा का दिन का है, और यहाँ पे बहुत बड़ा सा पार्क है। हम लोग यहाँ पे विष्णु मंदिर है वहाँ पे गए थे। पहले ना मन में बुरा लगा था कि दुर्गा पूजा हम लोग देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी अच्छा हुआ तो हम लोग ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस बार हम लोग का दुर्गा पूजा में बहुत सारा मंदिर में जाना हो गया है, पहले प्लान नहीं था, प्लान सच से ही बना। और सच सच में बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ पे दुर्गा पूजा चल रहा है और वहाँ पे फंक्शन भी हो रहा है, और अभी जा रहे हैं नेक्स्ट कुछ देखने के लिए। दुर्गा पूजा में पैदल चलने का मज़ा ही कुछ अलग सा होता है, तो ऐसे तो हम लोग पैदल नहीं चल सकते, लेकिन पूजा में सब चल लेता है। और अभी 11 बज चुके हैं, यहाँ पे लोग अभी भी है, भीड़ थोड़ा बहुत, हम लोग का वहाँ पे तो इतना भी नहीं होता इतना टाइम तक। और थक गए हैं, अभी चलते हैं घर पे, बहुत चल रही आज।
फाइनली हम लोग अपना होम टाउन का पूजा देख रहे हैं और पूरा मंडप खाली है। মানুহ এনেকৈ নাই আছে ন रुपोहियाली पूजा मंडप और 219 हुआ है एम आज पूरा रात पूजा देखेंगे। सुबह का 2 बज चुका है और हम लोग हैजू खाते हैं तो क्योंकि यहाँ का पूजा तो हम लोगों ने देखा ही नहीं था तो इसलिए कल सुबह ही दशमी मतलब आज ही दशमी हो गए हैं और देवी चला जाएगा तो हम लोग को देखने नहीं मिलेगा तो आज रात भर हम लोग देख लेंगे। ये फास्ट फूड है और अभी रात का 2:30 है तो हम लोग के साथ ये लोग भी है जो अभी भी पूजा देख रहे हैं। বুবুল্লা মই কালি আমি ফেসবুক JPR পূজা পণ্ডল আর यहाँ का मूर्ति भी बहुत ही सुंदर है बहुत सुंदर और अच्छा हुआ कि यहाँ पे लोग कम है बहुत अच्छा बात है नहीं तो कितना दूर हम लोग को पैदल चलना पड़ता और सच में कल से तो चले जाएंगे सब कुछ और भी देखना है और यहाँ का लाइटिंग तो उस साइड से दिखता है इस साइड से लाइटिंग अच्छा नहीं दिखता है मतलब दिखता ही नहीं है। तो ये है थाना रोड वाला पूजा और हमें बीच रास्ता का बीच में ही है तो हम लोगों ने देख के गए थे फिर से आए हैं देखने के लिए। हेलो बा Yeah!
और ये है हम लोग का लास्ट वाली पूजा। अभी 3 बज चुके हैं और मतलब हम लोग का जो मेन मेन पूजा था वो देख के हो गया है। और मुझे पूजा देखना बहुत अच्छा लगता है। कितना सुंदर से मंडप सजाते हैं उसको देखना और मुटिया को देखना। और मतलब पूजा तो साल में एक बार आता है तो 3 दिन मुझे अच्छे से देखना चाहिए ही चाहिए। उसके बाद ही मेरी कलेजे को ठंडक पहुंचता है। और आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बहुत हेल्प मिलता है इससे। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। और आज मतलब होम टाउन का भी देख लिया ना तो बहुत अच्छा लगा। तो आज का व्लॉग मैं ही ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।